अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये एक्सरसाइज 385 पेज नंबर पे मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल की लेंथ आपको दे दी है। उसने कहा है जी A13 है, B14 है, C15 है। ये पहला पार्ट मैंने लिखा है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी उसने A, B और C की कुछ वैल्यूज आपको दी हैं और आपने ये कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहां पर साइड पे आपको बता रहा हूं। आर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर। तो बेटा ये आर का फॉर्मूला हमें पता है, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है आर का। अब मैं ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास गिवन है 4 एज इट इज आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं हम यहां पर स्टार्ट ही क्वेश्चन वहां से करेंगे जहां पर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा आपने ये आर कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा आपको और एस की वैल्यू, एस मैं आपको बता चुका हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह आपने आर वन कैलकुलेट करना है बेटा, आर वन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। इसी तरह आपने आर टू कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस बी। और आर थ्री कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस सी। तो बेसिकली ये चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, उन चारों के फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर वन, आर टू, आर थ्री, इन तीनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो हमने यहां पर लिख ली हैं। तो सबसे पहले तो हमें एस चाहिए होगा, यहां पर अगर मुझे एस कैलकुलेट करना हो तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 13 प्लस बी की वैल्यू 14 प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे गिवन है 15। तो जो ए बी सी की वैल्यूज है वो हमने यहां पर क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास कैलकुलेटर है, तो यहां पर 13 प्लस 14 प्लस 15, ये तीनों को प्लस किया 42 आ गया, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 21 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 21s। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें s माइनस ए की जरूरत पड़ेगी, s माइनस बी की और s माइनस सी की, वो भी कैलकुलेट करने लगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, s माइनस ए, s कितना है 21, माइनस ए कितना है 13, ये माइनस कर लें 21 माइनस 13 तो ये आपको मिल जाएगा 8। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है किसकी, s माइनस ए की। अब हम s माइनस बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, s माइनस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 21 एस की वैल्यू माइनस बी उसने बेटा दिया हुआ 14, 21 माइनस 14 आप कैलकुलेटर पे कर ले 21 माइनस 14 तो ये आपको मिल जाएगा 7। तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, एस माइनस बी की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एस माइनस सी की। तो एस माइनस सी बेटा यहां पर एस की वैल्यू 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 15 तो ये हमें मिल जाएगा 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, एस माइनस सी की। हम एस माइनस ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं, एस माइनस बी भी, एस माइनस सी भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो भी रिक्वायर्ड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वेयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमारे पास हीरोज फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस क्या है हमारे पास बेटा, s की वैल्यू है 21, सब्स्टिट्यूट कर दें 21 इंटू एस माइनस ए, अभी कैलकुलेट करके आए हो आप 8, इंटू एस माइनस बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके आए हो 7, इंटू एस माइनस सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके आए हो 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वेयर रूट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने 21 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई करना है 7 से, मल्टीप्लाई करना है 6, तो ये आ जाएगा 7056। इसका स्क्वेयर रूट कैलकुलेट कर लें, स्क्वेयर रूट ऑफ दैट आंसर दैट इज 84। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 84। तो ये चीजें मुझे, ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड थी, क्या चाहिए था, एस कैलकुलेट कर लिया,
एस माइनस ए कैलकुलेट किया, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर हीरोज फॉर्मूलाज लगाकर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लिया। जब तमाम की वैल्यूज मेरे पास आ गई तो मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर। तो इधर देखिएगा, इक्वल टू आर होता है ए बी सी ओवर फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए की वैल्यू कितनी है 13, बी 14 और सी 15, पुट कर दें 13 इंटू 14, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने भी कैलकुलेट किया 84, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना तो काम आप कर लेंगे। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 डिवाइडेड बाय एस कितना कैलकुलेट किया 21, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सेकंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह आर वन कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 84, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, आपने क्या कैलकुलेट किया, एस माइनस ए आपने कैलकुलेट किया है 8, तो इसकी जगह क्या पुट कर दें, 8 पुट कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर वन की वैल्यू आ जाएगी। आर टू की वैल्यू के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 84 डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, हमारे पास क्या है एस माइनस बी की वैल्यू है 7, और इसी तरह 84 डिवाइड बाय एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, डिवाइड कर दें तो ये आपके पास चारों की पांच की पांच जो उसने वैल्यूज पूछी है आर 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 वन आर टू आर थ्री वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1 मैंने आपके सामने कर दिया, पार्ट 2 सिर्फ आपने करना है, उसमें जस्ट ये वैल्यूज चेंज होगी, मेथड सारे का सारा यही रहेगा। तो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट करने लगा हूं, सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, किसकी बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो यहां पर मैं आपके सामने पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 386 पर ये है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो वो कह रहा है कि आपने जो ट्राइंगल यूज करनी है वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां पर मैं उसको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्यूशन में कि हमारे पास जो गिवन है, गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो मुझे बताओ क्या इसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। इसकी तीनों साइड्स की अगर लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब है देयरफॉर ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, सी के। ए बी और सी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये रिजल्ट हमने बना लिया है। प्रूफ क्या करना है, वो प्रूफ ये करना है, पहले मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड हो जाएगा तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखिएगा, प्रूफ ये करना है आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री, बल्कि हां बिल्कुल ठीक लिखा मैंने, इक्वल टू किसके इक्वल प्रूफ करना है, वन रेशो टू रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो थ्री, इसके इक्वल प्रूफ करना। पार्ट वन में सिर्फ ये तीन चीजें, आर रेशो आर वन और इक्वल टू वन रेशो टू रेशो थ्री, आप पार्ट वन देख सकते हैं, और पार्ट टू में ये सारी चीजें हैं। तो पार्ट वन और पार्ट टू ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जस्ट आपने क्या करना है यहां पर आर रेशो आर वन रेशो आर थ्री को किसके इक्वल प्रूफ करना है, वन रेशो टू रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो थ्री। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे R की वैल्यू चाहिए, कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको रेज कर रहा हूं और अपने क्वेश्चन को मजीद आगे लेकर चलता हूं। तो सुने, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब है इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल। तो मैंने कहा कि ए किसके इक्वल होगा, बी, और बी किसके इक्वल होगा, सी के। ये तीनों की तीनों लेंथ आपस में
इक्वल है। अच्छा आपने स्मॉल आर कैलकुलेट करना हो, आपने आर वन कैलकुलेट करना हो, आर टू आर थ्री, या फिर आपने कैलकुलेट करना हो कैपिटल आर, तो आपको रिक्वायर्ड होता है एस। क्या रिक्वायर्ड होता है? एस। दूसरा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी रिक्वायर्ड होता है। तो सुने, यहां पर मैं एस कैलकुलेट करने लगा हूं। एस किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। और फिर हम क्या के आए हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर ए किसके इक्वल है? बी के। और फिर ए किसके इक्वल है? सी के। तो ये तीनों लेंस इक्वल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये टू तो मैंने एज इट इज लिख लिया, ये ए है प्लस बी किसके इक्वल है? ए के। तो बी की जगह भी क्या लगा दिया? ए। और सी किसके इक्वल है? ए के। तो सी की जगह भी क्या लगा दिया? ए। तो ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू एस का फॉर्मूला था। तो चूंकि तीनों साइड इक्वल है तो मैंने क्या किया, ए तो एज इट इज रहने दिया, बी की जगह भी ए लगा दिया और सी की जगह भी ए लगा दिया, क्योंकि बी और सी भी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? थ्री ए ओवर टू। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी? एस की। पिछले सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है? वहां पर एबीसी की वैल्यूज बता दी थी, यहां पर उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सिनेरियो दे दिया। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट हमने जनरल बात किया ए। तो ए को मुझे एस रिक्वायर्ड होता है, दूसरा मुझे एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस ए। सो एस की वैल्यू क्या है? थ्री ए ओवर टू अभी कैलकुलेट करके आयो, माइनस ए ये वाला, ए दोनों के पास है, ए कॉमन ले लें, ए कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? थ्री बाय टू माइनस इधर क्या बचेगा? वन। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, मजीद सिंप्लीफाई कर लें, टू एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा वन बाय टू ए। थ्री बाय टू में से वन माइनस करोगे, कैसे करते हो? थ्री बाय टू माइनस वन, एलसीएम लो टू एलसीएम, तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू, तो ये आ जाएगा वन बाय टू। तो ये इस तरह से थ्री बाय टू माइनस वन क्या आ गया? वन बाय टू। वन बाय टू मैंने इधर लिखा और ये ए वैसे ही आ गया। तो हमारे पास एस माइनस ए का आंसर आ गया है वन बाय टू इंटू ए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये ए जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ए बाय टू। तो ये मेरे पास s माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई? a बाय टू। इसी तरह मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? s माइनस बी की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था ये अगर आपने सारी चीजें जो हमने अभी प्रूफ के लिए लिखी थी वो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एक s रिक्वायर्ड है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल रिक्वायर्ड है, और अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है तो आपको s माइनस ए चाहिए, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपको s माइनस बी चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह हमें s माइनस सी चाहिए होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा एस माइनस ए, अब जरा इधर देखो, मैं थोड़ी सी टेक्निक यूज करने लगा हूं, एस एज इट इज माइनस ये बेटा बी किसके इक्वल है? अभी पढ़ के आए हो कि बी तो ए के इक्वल है, तो बी की जगह क्या रखना है? लिख लिया मैंने ए। और एस माइनस ए आप अभी कैलकुलेट करके आए हो, एस माइनस ए किसके इक्वल है? ए बाय टू के। एस माइनस ए किसके इक्वल है? ए बाय टू के। तो एस माइनस बी का आंसर क्या आ गया? ए बाय टू। एस माइनस ए का आंसर भी क्या आ गया? ए बाय टू। एस माइनस बी ए बाय टू आ गया, एस माइनस सी बी ए भी क्या आ गया? ए बाय टू। इसी तरह मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एस माइनस सी, एस माइनस सी की जगह क्या पुट कर देंगे? ए, क्योंकि एस किसके सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। अगर आपने ए के साथ नहीं करना तो आप बी के साथ कर ले, फिर जहां जहां पे ए आए वहां पे भी बी लगा दे, और जहां जहां पे सी आए वहां वहां पर भी बी ही लगा दे। तो मैंने ए को चूज किया, तो हम पूरा क्वेश्चन ए के पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एस माइनस ए भी आप कैलकुलेट करके आए हो, किसके इक्वल है? ए बाय टू के। तो ये तीनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, कौन कौन सी? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या रह गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है? थ्री ए बाय टू। एस की जगह क्या लग गया? थ्री ए बाय टू। एस माइनस ए क्या है? ए बाय टू। ये भी कैलकुलेट करके आयो, एस माइनस ए बाय टू। एस माइनस बी की वैल्यू भी क्या है? ए बाय टू। एस माइनस सी की वैल्यू भी क्या है? ए बाय टू। तो मैंने क्या किया है, एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो ऊपर कैलकुलेट की थी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यूज भी लगा दी। अब इसको जरा मजीद सिंप्लीफाई करूं, जरा गौर से देखिएगा, स्क्वेयर रूट वैसे ही आ गए, थ्री वैसे ही आ जाए। न्यूमिरेटर सॉल्व कर रहा हूं पहले,
अब ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ए थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वन टू थ्री फोर, तो ये क्या बनेगा, ए रेस टू पावर फोर, ए रेस टू पावर फोर। अब इधर देखिएगा, ये टू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर टाइम्स, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। अब जरा इसको मजीद सॉल्व करने लगो, स्क्वेयर रूट वैसे ही, थ्री वैसे ही, इस पावर फोर को लिख सकता हूं ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, पावर फोर को क्या लिख दिया, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, स्क्वेयर का स्क्वेयर क्यों करना है, ताकि स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाए, और सिक्सटीन क्या होता है बेटा, फोर का स्क्वेयर, सिक्सटीन क्या होता है, फोर का स्क्वेयर। तो फाइनली अंडर रूट के अंदर किसने रहना है और अंडर रूट से बाहर किसने आना है, जरा गौर से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर सिर्फ थ्री रहेगा, ये ए स्क्वेयर का स्क्वेयर 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 रूट से कैंसिल होगा तो ए स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और फोर स्क्वेयर का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा तो फोर भी स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वेयर रूट के अंदर रहेगा जस्ट थ्री और बाहर आ जाएगा ए स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा फोर। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो बेसिकली हमारे पास एस जो है, ये मैं साइड पर सिर्फ रफ वर्किंग के लिए, ताकि बाद में मैं इसको यूज कर सकूं, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको रेज कर दूंगा। तो एस की वैल्यू मेरे पास आई है 3a बाय 2, एस की वैल्यू क्या है 3a बाय 2। अच्छा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों आपस में इक्वल आए हैं, और इन तीनों की वैल्यूज क्या है, एस माइनस ए इक्वल है, एस माइनस बी इक्वल है, एस माइनस सी, एस माइनस सी, और इन तीनों की वैल्यू मेरे पास आई है a बाय 2। इसको फ्यूचर यूज के लिए मैंने रफ में लिखा है। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मेरे पास आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई है अंडर रूट थ्री ए स्क्वेयर ओवर फोर, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है। ये हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। आपने पहले पार्ट के लिए भी ये काम करना ही करना है, और सेकेंड पार्ट के लिए भी ये सारा काम करना ही करना है। फिर जब आप फर्स्ट पार्ट करना शुरू करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे फर्स्ट पार्ट की, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सेकंड पार्ट की। तो इधर देखिएगा, यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड जो है, सॉरी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड लिखने से भी पहले उसमें जो जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, मजीद आसानी हो जाएगी, ये और भी बेहतर रह जाएगा। इधर देखिए, एक को मुझे लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए जिसकी वैल्यू मैंने लगानी है वो है आर, और आर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। वो सारे पहले कैलकुलेट करता हूं, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो आर हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये वन ओवर एस हो जाएगा, या चले पहले वैल्यूज लगा लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, अंडर रूट थ्री ए स्क्वेयर ओवर फोर डिवाइडेड बाय एस क्या है, थ्री ए बाय टू। इसको मजीद से सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट थ्री ए स्क्वेयर ओवर फोर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे उलट जाएगा, टू ओवर थ्री ए आ जाएगा। तो आर मुझे चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूं पहले। आर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे लिख लिया, क्वेश्चन लाइन को डिवाइड में बदल दिया, एस इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू पुट किया और डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू पुट की, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये ए इस स्क्वायर से कैंसिल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो फाइनली जो आर मेरे पास आ जाएगा वो आएगा, ऊपर बचा है ये हमारे पास कैंसिल हो गया ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये ऊपर हमारे पास आ गया एक अंडर रूट थ्री, एक ए, और दूसरा नीचे हमारे पास आ गया टू थ्री जा सिक्स। ये हमने आर कैलकुलेट कर लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, कैपिटल आर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू ए बी सी ओवर फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कैपिटल आर चाहिए। अब सुने,
क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप वैल्यूज लगा दें, ए किसके इक्वल है, ए के, बी भी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, ए की जगह तो ए लग गया, बी की जगह ए, सी की जगह भी ए, फिर क्या है डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप अभी लिख के आए हो अंडर रूट 3a² / 4। ये 4 से क्या हो जाएगा कैंसल, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल, ये बन गया a³, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये वाली वैल्यू उलट जाएगी 1/√3a². ये a स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा न्यूमिरेटर में एक a और डिनोमिनेटर में √3। जरा गौर से देखिएगा अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो s कैलकुलेट किया, दूसरे नंबर पे हमने कैलकुलेट किया s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया। वो जो तीन चीजें कैलकुलेट की मैंने इधर आपके सामने शो की हुई। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखनी थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सबसे पहले आर चाहिए था, स्मॉल आर, मैंने ये कैलकुलेट कर, उसके बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए थी, मैंने कैलकुलेट की। कैसे की है, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए वैसे ही लिख लिया, बी वैसे ही आ गया, सी वैसे ही आ गया, क्वेश्चन लाइन को किसमें बदल दिया डिवाइड में, और फिर क्या है 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ए तो वैसे ही आ गया, बी ए के इक्वल है और सी भी ए के इक्वल है, ये तीन ए इकट्ठे हो गए, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू इधर से देख के लगाई, 4 से कैंसिल हो गया, ये बना a³, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो सिर्फ ये एक वैल्यू बची √3a², ये रेसिप्रोकल हो जाएगी √3/1/√3a², ये a² इस क्यूब से कैंसिल होगा तो ऊपर बचा a और नीचे बचा √3, वो मैंने ये लिखा। अब सुन लें, छोटी क्लासेस में पढ़ा था 9th लेवल पे, क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं सर्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्ट्स। तो इसको कैसे सही किया जाता है, सर्ट्स को ठीक करने का तरीका ये होता है, आप इसको रैशनलाइज कर लेते हो, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट 3 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3a ओवर, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3a/3। ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है √3a/3 कैपिटल आर। स्मॉल आर चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कैपिटल आर चाहिए था उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए R1, R2 और R3, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में वो जो तीन चीजें चाहिए वो भी यहां पे कैलकुलेट करने लगा हूं। R1 किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन लाइन को क्या बना दिया डिवाइड, क्वेश्चन लाइन को क्या बना दिया डिवाइड, एस माइनस ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है वो हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ, ये अंडर रूट 3a² / 4 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए क्या है, एस माइनस ए की वैल्यू है a/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट 3a² / 4 एज इट इज डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। हमें कैलकुलेट करना था R1 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस A, एरिया ऑफ ट्राइंगल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन को डिवाइड में बदला S माइनस A, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिवाइड वैसे ही आ गया, S माइनस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की a/2। तो सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, a स्क्वायर से कैंसिल होगा तो न्यूमिरेटर में बचा √3a/2, डिनोमिनेटर में बचा 2 √3a/2, तो हमारे पास R1 आ गया है √3a/2, ये R1 की वैल्यू आ गई। अब R2 कैलकुलेट करना है, R2 किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस बेटा S माइनस बी और S माइनस ए इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना,
एस, वो भी हम ऊपर लिख के भी आए, तो एस माइनस बी की जगह मैंने क्या लगा दिया, एस माइनस ए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए का आंसर अभी आप कैलकुलेट करके आए हो अंडर रूट थ्री ए ओवर टू। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है आर थ्री, और आर थ्री का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी किसके इक्वल है, एस माइनस ए के, और उसकी वैल्यू भी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया अंडर रूट थ्री ए ओवर। तो R1, R2, R3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब दोबारा से सम अप कर रहा हूं अभी तक के क्वेश्चन को। उसने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने कहा जी ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। जब हमारे पास ए बी और सी हमने इक्वल रख लिए, तो एस कैलकुलेट किया, एस में ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, तो ए की जगह ए रहने दिया, बी की जगह ए लगा दिया, और सी की जगह भी ए लगा दिया, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। फिर हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कैलकुलेट किया, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किया। ये तीनों चीजें हमने इधर रफ में लिखी, ठीक हो गया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड था, उस लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्मॉल आर चाहिए था, वो कैलकुलेट किया, कैपिटल आर चाहिए था वो कैलकुलेट किया, उसके बाद आर वन आर टू आर थ्री चाहिए था वो तीनों कैलकुलेट कर लिए। अब जो मटेरियल मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और वो क्या क्या है वो मैं चूंकि ये रेस कर दूंगा इसलिए मैं वो सारी चीजें इधर साइड पर लिख रहा हूं। तो मुझे स्मॉल आर चाहिए था, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, हमने अभी कैलकुलेट किया अंडर रूट थ्री ए ओवर सिक्स, अंडर रूट थ्री ए ओवर सिक्स ये स्मॉल आर आ गई। और हमें कैपिटल आर चाहिए था, कैपिटल आर जो है वो हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट थ्री ए ओवर थ्री, अंडर रूट थ्री ए ओवर थ्री। इसी तरह मुझे आर वन आर टू आर थ्री चाहिए था, तीनों के आंसर सेम है, तो मैं इस तरह करके लिख रहा हूं आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री, और तीनों के आंसर क्या आए हैं अंडर रूट थ्री ए ओवर टू, अंडर रूट थ्री ए ओवर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप चीजों को सम अप करके जेहन में रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं अब मैं आपके सामने, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है आर रेशो आर वन रेशो सॉरी ये कैपिटल आर, आर रेशो आर रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री। अब इन तमाम की वैल्यूज मेरे पास कैलकुलेट है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। इधर देखिएगा आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री ए ओवर सिक्स, ये पुट कर दें अंडर रूट थ्री ए ओवर सिक्स रेशो, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री ए ओवर थ्री, अंडर रूट थ्री ए ओवर थ्री रेशो, आर वन की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री ए ओवर टू, ये भी लिख के आए हो। आर टू की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट थ्री ए ओवर टू, आर थ्री की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री ए ओवर टू, ये मैंने लिख दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अंडर रूट थ्री ए अंडर रूट थ्री ए अंडर रूट थ्री सबके पास अंडर रूट थ्री है कॉमन ले लें, अंडर रूट थ्री ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वन ओवर सिक्स रेशो वन ओवर थ्री रेशो वन ओवर टू रेशो वन ओवर टू रेशो वन ओवर टू, अंडर रूट थ्री ए कॉमन लिया। देखिए जो मैंने कॉमन लिया वो मैंने साथ नहीं लिखा, क्योंकि रेशो में आप कुछ भी कॉमन ले लें, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी डिवाइड कर लें, हमारी इक्वालिटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेन में रखें कि जो अंडर रूट थ्री ए कॉमन लिया ना इसको मैं साथ नहीं लिख रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हमारी इक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशो में आप कुछ भी कॉमन ले लें, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी डिवाइड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुने उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर मैं किस दिन आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अब सुनिएगा फिलहाल सिर्फ इतना जेहन में रख लें, जो कुछ रेशो में कॉमन लें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें उससे इक्वालिटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुने अंडर रूट थ्री ए कॉमन लिया तो मेरे पास ये बच गया। अब मुझे बताओ कि इस सारी चीज का एलसीएम क्या है, इस सारी चीज का एलसीएम आएगा सिक्स, सबसे बड़ी वैल्यू ना, इसमें ये सारे फैक्टर हैं, इसमें सिक्स में टू भी है थ्री भी है, इसलिए इस सारी फ्रैक्शन का
जो एलसीएम बनता है वो क्या बनता है, 6 बनता है। तो आपने क्या करना है, पूरी फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर, पूरी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा, 1 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो, 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब कैंसिलेशन कीजिएगा जरा, ये 6 6 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 रेशियो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 रेशियो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया, पार्ट 1 सिर्फ यहां तक है लेकिन पार्ट 2 आगे भी है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 रेशियो 3 रेशियो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3। तो ये ओवरऑल हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का गालबन पार्ट नंबर सेकंड किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और ऑनवर्ड की। थैंक यू वेरी मच।